सिटी। गुड मॉर्निंग शिखर खर साहब, प्लीज बताइए हमें, वी आर इन शॉक। भारतीय सेनाओं के तमाम लोगों को, तमाम सैनिकों को, अधिकारियों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि वो युद्ध क्षेत्र में या किसी दूसरी अवस्था में शत्रु के हाथ में आते हैं तो उन्हें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। जी, ये उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है। जी, उनको केवल अपना नंबर, हमारे प्रत्येक व्यक्ति का नंबर, मेरा भी नंबर है, सबका नंबर होता है। जी जी जी, नंबर, अपना नाम, अगर चाहिए तो जन्म तारीख और कहाँ के वो हैं, इतना ही बताना चाहिए। उसके अलावा कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर जनरल साहब, उन्होंने अपना रिलीजन दिया और मैं इस बात में बहुत खफा हूँ। जी, जी, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, क्योंकि मान लो खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो उनके साथ किस रिलीजन के तहत सलूक करना चाहिए, ये हम लोग भी करते हैं। जब 1971 की युद्ध में हमने 58,000 कैदी पकड़े थे पाकिस्तान के, तो उनको हम रोज नमाज के लिए समय देते थे। अच्छा। रोजे करते थे वो, क्योंकि हमें उनके मजहब का जो है सम्मान करना पड़ता है। शेखतकर साहब, फिर भी एक इंसानियत के नाम, इंसान है हम, हमारे अंदर डर होता है, क्योंकि हम आम नागरिक होने के नाते उसको देखकर हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है। मैडम, डर तो होता है, अगर हम एक आधा घंटे के लिए पुलिस चौकी में पहुंच जाते हैं तो हमारा पसीना छूट जाता है। और युद्ध क्षेत्र में यदि आपने डर आपके हाव भाव से, आपके चेहरे से, आपके चेहरे पे आने वाला पसीना उससे अगर कर दिया तो उनका आधा काम तो उनको सफलता मिल गई ना। शेखतकर साहब, आप वीडियो देखकर खुद कितना गर्व महसूस कर रहे थे? देखिए, एक बात होती है कि हमें फक्र होता है हमारी सेनाओं पर, हमें फक्र होता है हमारे अधिकारियों पर, हमारे सैनिकों पर, कि वो जाबाज लोग हैं, वो कायर नहीं है, डरपोक नहीं है। और मैडम, हमें सिखाया जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार, हाँ? हम किसी के पीठ में छुरा नहीं भोंकते, हमें वर्जित है ये, हमें वर्जित सिखाया, मैंने हमें इस बात की कभी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि छुरा मारना है, बंदूक मारना है, गोली मारना है, सीने पे मारो। आज आपको रेडियो सिटी पे ये बात पूछनी पड़ेगी सर, बहुत जनता इंडिया की कह रही है पाकिस्तान अमन की भाषा एंड द रिटर्न ऑफ अभिनंदन करके शायद जीत गए। आपके सर्विंग ऑफिसर को अगर उनने तरीके से काम किया तो ये विजय हुई क्या उनकी? हमारी मानसिकता इतनी नीचे गिर गई है लोगों की, विजय का सवाल ही नहीं होता है। आपके टाइम पर, कारगिल वॉर के टाइम पर नचिकेता को वापस भेजा गया था, उनको भी वहां पे रखा हुआ था, क्या उनके साथ कोई बदसलूकी हुई थी उनके आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कि उनको भी इज्जत से वापस भेजा गया था? देखिए, आम इज्जत की क्या होती है, अगर इसको एक हमारे अधिकारी को उन्होंने वापस भेज दिया, लेकिन हमारे कितने अधिकारियों ने हाथ पैर काट दिए, डेड बॉडी उनको बोरे में बांध के फेंक दी उन्होंने, ये हम क्यों भूलते हैं? वी मस्ट स्टार्ट डेवलपिंग अ नेशनल मेमोरी। वैयक्तिक याददाश्त तो जीवन भर रहती है, पर राष्ट्रीय स्मरण शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा हम इनको ऐसे ही माफ करते रहेंगे। आप एक आम नागरिक से जो मुंबई का आपकी आवाज को सुन रहे हैं, वो आप क्या चाहेंगे फ्रॉम अ हिंदुस्तानी आज के दिन, क्या मैं चाहेंगे? तो महाराष्ट्र के लोगों से एक ही मेरा निवेदन है, पूरे विश्व में महाराष्ट्र यही एक ऐसा भूभाग है जिसके साथ राष्ट्र शब्द लगा हुआ है, अन्यथा कोई भूगोल का टुकड़ा ऐसा नहीं है। इसलिए राष्ट्रीयता हमारे कण कण में है, हमारी रगों रगों में है, हमारे हर कतरे के खून में है, और इसलिए हमें इस समय राष्ट्र के साथ रहना चाहिए, भारत के साथ रहना चाहिए, भारत शासन के साथ रहना चाहिए, भारतीय सेनाओं के साथ रहना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घबराइए मत, अफवाहों को सुनिए मत, पाकिस्तान क्या बोलता है उस पर आप विश्वास मत कीजिए। पाकिस्तान ने आज तक कभी सच बोलना सीखा उनके हुक्मरानों ने। वी शुड रिमेन अलर्ट, वी शुड रिमेन कॉशियस, वी शुड रिमेन हम्बल, एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन एनीबडी हु टेक्स लिबर्टी विद अस। जैसे आपने इतना अच्छा मैसेज फॉर एवर दिया है एक हिंदुस्तानी को, आप हमारे लिए इतने जंग लड़े हैं, आपको सल्यूट है सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्पिरिट आज रेडियो सिटी पे। अर्चना, गॉड ब्लेस यू, थैंक एंड योर क्लीग, थैंक एंड योर टीम, थैंक यू, गॉड ब्लेस रेडियो सिटी।